दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में अब एक डर छाया हुआ है एक वॉर होने का। दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईरान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों जो करमान है जो कि ईरान का एक एरिया है वहां पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इंडिया इस न्यूज को देख करके शॉक हो चुका है दोस्तों। और इंडिया ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो शोक सभा मनाने के लिए आए हो उन पर ब्लास्ट कर दिया गया हो। दोस्तों इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिया ने कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं, शॉक्ड एंड सैडेंड वर्ड इंडिया एंड सॉलिडरिटी विद पीपल ऑफ ईरान आफ्टर करमान बॉम्बिंग। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं भारत का जो विदेश मंत्रालय है उनके ऊपर से भी ट्वीट आया है कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड ऑफ द टेरिबल बॉम्बिंग इन द करमान सिटी ऑफ ईरान। दोस्तों इस ब्लास्ट बाद जो वेस्टर्न मीडिया है उनमें बहुत ज्यादा है या फेयर हो चुका है कि अब तो वॉर हो कर ही रहेगी। दोस्तों भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात हो सकती है कि दोस्तों वो इसराइल का साथ देगा या फिर ईरान का साथ देगा इस वक्त। और बात की जाए दोस्तों इसराइल की तो इसराइल भी दोस्तों हर हफ्ते कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज हम लोगों को दे दे रहा है। पहले इसराइल के लोगों ने नॉर्दर्न गाजा को कैप्चर किया और कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि बाद में हम इसको छोड़ देंगे, पर देखा जा रहा है कि दोस्तों अब ये नॉर्दर्न गाजा भी पूरा तरीके से कैप्चर कर चुके हैं और वहां पर अब इसराइल के लोग ही रहने वाले हैं। और दोस्तों नॉर्दर्न गाजा के साथ ही अब इसराइल जो है वो साउदर्न गाजा पे भी अटैक कर रहा है और उसको भी कैप्चर करा जाता है। तो सवाल दोस्तों ये बन रहा है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो आखिरकार कहां जाएंगे। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारत में अगले 5 साल में जमीन से जुड़ी खुफिया जानकारी को जमा करने के लिए 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। दोस्तों ये खुलासा इसरो के चीफ डॉक्टर एम सोमनाथ ने किया। सोमनाथ ने कहा कि एक टारगेट है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इन सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। इसरो चीफ आईआईटी मुंबई के सालाना साइंस और टेक्नोलॉजी इवेंट में बोल रहे थे। सोमनाथ ने बताया कि ये सैटेलाइट अलग अलग ऊंचाई पर तैनात किए जाएंगे ताकि अलग अलग लेवल से जियो इंटेलिजेंस के डेटा को जमा किया जा सकेगा। इससे सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही अपने सैनिकों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों इन सैटेलाइट से एक ऐसा जाल बनाया जा सकेगा जिससे पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर अंतरिक्ष से नजर रखा जा सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे 50 स्पेसक्राफ्ट लगातार पड़ोसी देश पर भी नजर रखेंगे ताकि वो किसी तरह की गलत हरकत ना कर सके। इससे भारत की बतौर स्पेस पावर ताकत बढ़ेगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।